मान लीजिए आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, या फिर जमीन खरीदनी है, या फिर कोई महंगी गाड़ी खरीदनी है, या फिर आप यूं समझ लीजिए कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए आपको अर्जेंटली एक बड़ा अमाउंट चाहिए जो कि आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने रिश्तेदारों से लेंगे? अगर उनके पास उतने पैसे नहीं हुए तो आप बैंक से लोन लेने जाएंगे? अगर बैंक ने आपको लोन देने से मना कर दिया तो उस केस में अगर आपके पास कोई जमीन होगी, सोना होगा, तो उसको गिरवी रख के आप सेठ साहूकार से कर्ज ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि मार्केट में एक ऐसा ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसमें आपको हर महीने एक स्मॉल अमाउंट पे करना होता है और जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो बड़ा अमाउंट आपको लोन के तौर पर मिल जाता है, सो दोस्तों ये ऑप्शन होता है चिट फंड का। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा चिट फंड तो एक तरह का स्कैम होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने भी चिट फंड होते हैं वो सारे के सारे स्कैम नहीं होते हैं। लेकिन हमको ये चीज़ भी माननी होगी कि हमारे देश में चिट फंड को लेकर बहुत सारे स्कैम हुए हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा स्कैम था शारदा स्कैम। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि चिट फंड एग्जैक्टली क्या होता है और क्यों इंडिया के अंदर चिट फंड में इतने सारे स्कैम होते हैं, और साथ ही साथ में एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में बात करेंगे जो था शारदा स्कैम। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं चिट फंड स्कैम के बारे में। अब दोस्तों हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि चिट फंड एग्जैक्टली क्या होता है, तो सबसे पहले मैं उनको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, चिट फंड एक तरीके का सिस्टम होता है जिसके अंदर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और वो लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हर महीने वो इतना पैसा जमा करेंगे, और जो भी टोटल जमा हो जाएगा उसके बाद में अगर किसी को भी पैसे की जरूरत है तो बोली लगा सकता है और पैसे उठा सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मान लीजिए 10 लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग चिटफंड चलाएंगे और 10 महीने तक चलाएंगे और हर महीने हम 10,000 रुपये जमा करेंगे। तो सबसे पहले महीने अगर 10 लोग 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो टोटल हो जाएगा 1,00,000 रुपया। उसके बाद में उन 10 में से अगर किसी को भी पैसे की जरूरत होगी तो वो बोली लगाएगा, और जो भी इंसान सबसे कम बोली लगाएगा उसको पैसे दे दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने 80,000 की बोली लगाई, किसी ने 70,000 की लगाई, किसी ने 60,000 की लगाई और किसी ने 50,000 की लगाई, तो उस केस में क्या होगा, 50,000 वाले ने सबसे कम बोली लगाई तो उसको पैसे मिल जाएंगे, और जो बचे हुए 50,000 रुपए होंगे उसमें से 5% उसको मिलेगा जो पूरे चिट फंड को मैनेज करता है, मतलब जो भी मैनेजर होगा उसको मिलेगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो बाकी के लोगों में बराबर बांट दिया जाएगा। उसके बाद में अगले महीने फिर से पैसे जमा किए जाएंगे, सब लोग 10,000 रुपए जमा करेंगे, और उसके बाद में जो बचे हुए 9 लोग हैं वो लोग बोली लगा सकते हैं। लास्ट टाइम जिसने बोली लगाई थी वो बोली अब नहीं लगा सकता, लेकिन आने वाले 10 महीने तक उसको हर महीने पैसे जमा करने पड़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, जो भी सबसे लास्ट में पैसे उठाएगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। सो इसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, जो मैनेज करवा रहा है उसको भी 5% का कमीशन मिलता है, साथ ही साथ में अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो उसको तुरंत पैसे मिल जाते हैं, और जिसको तुरंत पैसे की जरूरत नहीं है वो इस पर्टिकुलर फंड की मदद से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे चिट फंड एग्जैक्टली होता क्या है, और मैं आपको बता दूं ये इंडिया के अंदर कोई नया नहीं है, ये बहुत टाइम से इंडिया के अंदर चल रहा है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में लोन मिलना थोड़ा सा आसान है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक से लोन ले सकते हैं, वहां से नहीं मिला तो आप किसी प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं, वहां से भी नहीं मिला तो आप किसी NBFC से ले सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते थे, तो जिनको भी बैंक से लोन नहीं मिलता था या कहीं से बड़ा पैसा नहीं मिल पाता था तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता था चिट फंड। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी शुरुआत हुई थी केरला से, और 1930 में तो 166 ऐसी बैंक्स थी जो अपना खुद का चिट फंड चलाया करती थी, और दोस्तों सबसे पहला जो चिट फंड था उसका नाम था केरला स्टेट एंटरप्राइज लिमिटेड, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद में ये ईस्ट इंडिया की तरफ चला गया और बाकी के स्टेट्स में भी फैल गया। अब दोस्तों जैसे जैसे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में चिटफंड चलाए जाने लगे, वैसे वैसे चिटफंड से रिलेटेड स्कैम हमारे सामने आने लगे, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चिटफंड को कोई भी गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट नहीं करती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए RBI है, तो RBI के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसी के हिसाब से बैंकों को अपना काम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर म्यूचुअल फंड की बात करें या शेयर मार्केट की बात करें तो उसको रेगुलेट करने के लिए SEBI है, तो SEBI के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट चलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हर चिट फंड जो होता है वो स्कैम नहीं होता, तो मार्केट में आज के टाइम में भी कुछ चिट फंड ऐसे चल रहे हैं, उनमें अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको खुद गवर्नमेंट चलाती है। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो मैसूर सेल्स इंटरनेशनल बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला, श्रीराम चिट्स बाय श्रीराम ग्रुप और मार्गदर्शी चिट्स बाय रामोजी राव ग्रुप। इसी प्रकार के कुछ और भी चिट फंड्स हैं जिनके अंदर अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अब तक हमारे देश में लगभग 350 से ज्यादा चिट फंड स्कैम के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अगर सबसे बड़े स्कैम्स की बात की जाए तो एक तो था शारदा चिट फंड स्कैम और दूसरा था
PACL चिटफंड स्कैम, जिसका फुल फॉर्म था पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शारदा चिटफंड स्कैम के बारे में कि ये कैसे हुआ और किसने इसको अंजाम दिया। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं शारदा चिटफंड स्कैम की शुरुआत कैसे हुई और कैसे लोगों को इसके अंदर फंसाया गया। दोस्तों शारदा स्कैम वो स्कैम था जिसने सिर्फ अमीरों को या फिर मिडिल क्लास लोगों को नहीं लूटा था, बल्कि इन्होंने तो भिखारियों का भी डब्बा गुल कर दिया था। पश्चिम बंगाल की इस चिटफंड कंपनी शारदा ग्रुप की नींव 2006 में सुदीप्तो सेन ने रखी थी, जो कि कई कंपनियों से मिलकर बनी थी। और इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सुदीप्तो को पैसे की जरूरत थी, सो इसके लिए सुदीप्तो सेन ने रिडीमेबल बॉन्ड्स और सिक्योरिटी डिबेंचर इशू करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि रिडीमेबल बॉन्ड्स और सिक्योरिटी डिबेंचर एग्जैक्टली होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो अगर वो बैंक से लोन लेगी तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है तो वो कंपनी क्या करती है, अपने बॉन्ड और डिबेंचर इशू करती है और लोगों से पैसे उठाती है। तो इस केस में होता क्या है, उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसे मिल जाते हैं और साथ ही साथ में जो लोग होते हैं उनको भी फायदा होता है, क्योंकि अगर वो अपने पैसे बैंक में रखेंगे तो उनको उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा नहीं जितना इनके अंदर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। देखिए अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है या फिर गवर्नमेंट बॉडी है जो बॉन्ड इशू कर रही है तो उसकी गारंटी होती है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी इस तरीके का बॉन्ड या डिबेंचर इशू करती है तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी पैसे लौटाएगी। तो आप यूं समझ लीजिए प्राइवेट कंपनी जो भी बॉन्ड्स और डिबेंचर इशू करती है वो उतने ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होते। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जब भी किसी कंपनी को 50 से ज्यादा इन्वेस्टर से पैसे लेने होते हैं तो सबसे पहले उसे सेबी से अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद में वो पैसे ले सकता है। लेकिन शारदा ग्रुप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उनका ये काम बहुत ही धड़ल्ले से दिन दहाड़े चल रहा था। सुदीप्तो ने कुछ एजेंट हायर किए थे जो गली गली में जाकर लोगों को कन्विंस किया करते थे, जिसके बदले में एजेंट्स को 25% तक का कमीशन दिया जाता था। मान लीजिए कोई एजेंट 1,00,000 रुपए का बिजनेस करता है तो उसको 25,000 रुपए एज अ कमीशन मिलेगा। तो एजेंट्स भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे, वो लोगों को समझा रहे थे कि कुछ ही टाइम में उनके पैसे 10 गुना 12 गुना यहां तक कि 34 गुना हो जाएंगे और कंपनी 15 महीने के अंदर पैसे डबल करने का वादा तो कर ही रही है। इसके अलावा दोस्तों 2008 में यह भी खबर आई थी कि लोगों को विदेशों में घुमाने के ऑफर भी दिए जा रहे हैं और इसी प्रकार के अलग अलग ऑफर बनाकर लोगों को बताए जाते थे और उनसे पैसे इन्वेस्ट करवाए जाते थे और लोग भी आंख बंद करके पैसे इन्वेस्ट करने लग गए, क्योंकि उनको 15 महीने में उनके पैसे डबल करके मिल रहे थे, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर बैंक में रखे रखे पॉसिबल नहीं होता था। तो दोस्तों बस यही सोचकर लोगों ने अपने गुल्लक के पैसे निकाल निकाल कर इनके बॉन्ड खरीदना शुरू किया और इंतजार करने लग गए कि उनके जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे और साथ ही साथ में उनको विदेश में भी घूमने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि शारदा ग्रुप इतने पैसे लेकर कहां से आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शारदा ग्रुप में बहुत सारी कंपनियां इन्वॉल्व थी, जैसे कि शारदा रियलिटी, शारदा हाउसिंग, टूर्स एंड ट्रैवल्स, गार्डन एंड होटल, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां थी जिससे लोगों को क्या लगता था, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, हम जो पैसे दे रहे हैं उसको ये अपनी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं और उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ये हमको दे देते हैं। इसके अलावा दोस्तों लोगों का भरोसा जीतने के लिए और साथ ही साथ में लोगों को इमोशनली कंपनी के साथ अटैच रखने के लिए शारदा ग्रुप कई प्रकार के काम करता था, जैसे कि दुर्गा पूजा स्पॉन्सर करना, लोगों के लिए फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था करना वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने बॉलीवुड एक्टर से भी एंडोर्समेंट करवाई थी, जिससे शारदा ग्रुप पर लोगों का भरोसा बढ़ने लग गया और वो खुशी खुशी अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट करने लग गए। उसके बाद में ये जो स्कैम था सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इंडिया के कई हिस्सों में तेजी से बढ़ने लग गया, जैसे कि आसाम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट और भी कई सारी जगहों पर जहां पर लोगों को फाइनेंस के बारे में थोड़ी कम जानकारी होती थी। साल 2009 आते आते सेबी को इस बात की भनक पड़ गई कि शारदा ग्रुप लोगों से बिना किसी नियम कानून के पालन किए फंड जुटा रहा है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि 50 से ज्यादा इन्वेस्टर के लिए सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसमें सेबी ये देखती है कि कंपनी लोगों के पैसे रिटर्न कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसके हिसाब से अप्रूवल देती है। लेकिन यहां तो लाखों लोगों से पैसे लिए गए थे लेकिन कोई भी अप्रूवल नहीं लिया गया था, जिसके बाद में सेबी ने शारदा ग्रुप, सुदीप्तो सेन और पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा कि शारदा ग्रुप की कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन वहां की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और ये स्कैम चलता रहा। दूसरी तरफ सुदीप्तो सेन ने सेबी को कंफ्यूज करने के लिए शारदा ग्रुप के अंदर 300 कंपनियां बना दी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी सारी कंपनीज क्यों बनाई, तो मैं आपको बता दूं ताकि सेबी कंफ्यूज हो जाए कि कौन सी कंपनी के अंडर में वो कितने लोगों से पैसे ले रहे हैं। उसके बाद में सेबी ने एक एक कंपनी की जांच करना शुरू किया तो उनको पता चला कि हर एक कंपनी के अंदर वो 50 से ज्यादा लोगों से पैसे रेज कर रहे थे। उसके बाद में सेबी ने सुदीप्तो से जवाब मांगा कि आपने अप्रूवल क्यों नहीं लिया,
तो उन्होंने कहा कि हम बॉन्ड के थ्रू पैसे नहीं ले रहे बल्कि चिटफंड के थ्रू पैसे ले रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका था कि चिटफंड को कोई भी गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट नहीं करती है, तो ये जो मैटर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है और सेबी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो सुदीप तो जो था सेबी के पंजे से बच गया और ये जो स्कैम था वो चलता रहा, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे उनको तो पैसे मिल गए, जिससे लोगों का भरोसा हो गया कि शारदा ग्रुप पैसे टाइम पे लौटा देती है, तो जितना भी पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको डबल करके मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब 2012 और 2013 आने लगा तो उस टाइम लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे, लोग इंतजार करते रह गए। 15 महीने से 2 साल हो गया, 2 से 3 साल हो गया, 3 से 4 साल हो गया, लेकिन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे। उसके बाद में एक एक करके FIR दर्ज होने लग गई और पूरे देश के अंदर लगभग 400 FIR दर्ज की गई, जिसके बाद CBI जांच करने के लिए कमेटी बिठाई गई और दूसरी तरफ सुदीप्त सेन और उनके जो सहयोगी थे देवेन मुखर्जी और बाकी के लोग फरार हो गए। फिर उसके बाद में जब छानबीन शुरू हुई तो सुदीप्त सेन और उन लोगों को कश्मीर से पकड़ लिया गया। सुदीप्त को गिरफ्तार करने के बाद में पता चला शारदा ग्रुप सिर्फ इलीगल तरीके से पैसे ही नहीं ले रही है बल्कि उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ब्लैक से व्हाइट में भी कर रही है। उसके बाद में मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस था वो CBI को सौंप दिया। CBI जांच करने लगी और उसके बाद में पता चला 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के 2 राज्यसभा सदस्य, पश्चिम बंगाल के DGP, फुटबॉल क्लब चलाने वाले नेता और राज्य के खेल मंत्री के साथ साथ ममता बनर्जी के बेहद ही करीबी लोग भी शामिल थे। ये जितने भी लोगों के नाम मैंने आपको गिनवाए हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये सभी लोग शारदा ग्रुप से अच्छे खासे पैसे लिया करते थे और इन सबको पता था कि इतने बड़े लेवल पे फ्रॉड चल रहा है। अब ऐसा सुनने के बाद में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन करने लग गए, लोग सड़कों पे उतर आए और नारेबाजी करने लग गए। इसके अलावा दोस्तों लगभग 200 लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया था। उसके बाद में इस मामले में जितने लोग भी गिरफ्तार हुए थे उनको अलग अलग धाराओं के हिसाब से सजा सुनाई गई। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि उनको सजा तो मिल गई, लेकिन जिन लोगों के पैसे गए क्या उनको पैसे वापस मिल पाए? इसके अलावा जिनके सपने टूटे क्या कभी उनके सपने पूरे हो पाएंगे? शायद कभी नहीं। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद आज भी हमारे आसपास में कई सारी ऐसी चिटफंड कंपनीज होगी जो आपके पैसे लेकर भागने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन फिर भी लोग अपनी खुशी से पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं बिना किसी जांच पड़ताल के। क्या कंपनी सच में उनके पैसे लौटाएगी या नहीं लौटाएगी? सो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने भी किसी चिट फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है तो सबसे पहले कंफर्म कर लीजिए कि क्या वहां से आपको पैसे रिटर्न मिलने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो प्लीज उसके अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए। और कुछ लीगल कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में हैं जिनके बारे में आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, थोड़ा आप अपने लेवल पे भी रिसर्च कर सकते हैं, आपको और भी कंपनियां मिल जाएगी जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आपके पैसे लेकर भागने के फिराक में हैं उनके अंदर इन्वेस्ट ना करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टा ID है hi_RajnikantSharma।